फैमिली, सो हमारी मॉर्निंग हो गई है और ये हमारा पूजा भी हो गया है। मैंने सोचा पहले सबसे पूजा वूजा करके फिर मैं आप लोगों से मिलूँ, तो ये हमारी पूजा हो गई है। अभी हो रहा है 8 o'clock, आज थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज आज छुट्टी थी तो थोड़ा हमने इंजॉय किया। हो गया हमारा पूजा और मैं कृष्णा के कपड़े धो देती हूँ और आप लोग की वीकेंड कैसा जा रहा है? कल क्रिसमस है, क्रिसमस की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? भीड़ तो बहुत रहती है, वैसे भी कोरोना फैल रहा है और दिल्ली उल्ली में तो भैया कोरोना दबा के रहता है, तो हो गया है। लेकिन घर का काम बाकी है, घर का काम करना है मुझे, क्योंकि आज क्या था, आज थोड़ा हमने सोचा थोड़ा लेट उठे हम लोग, उठ तो गए थे, आदत होती है तो पेट पे तो उठ ही गए थे हम लोग, बट मैंने बोला चलो थोड़ा सा रोज़ तो भाग भाग भागम दौड़ रही थी आज की लाइफ, आज और कल की लाइफ थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। सो हमने आराम से उठे, मम्मा का ब्लड टेस्ट होने के लिए सैंपल लिया है आज, ब्लड सैंपल ये देखिए। आज छुट्टी थी तो ऑफिस नहीं गई थी, हॉस्पिटल गई थी, ब्लड सैंपल लिया और अभी वो रेस्ट कर रही हैं। अभी दोपहर हो रही है, खाना वाना काम वाम सब हो गया तो मैं उनको रेस्ट करने देती हूँ, जब वो उठेंगी तब वो आप लोगों से अपने आप बात कर लेंगी। तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल जाके मैंने ब्लड दिया, ब्लड कल रिपोर्ट आएगा क्या आता है देखते हैं। और मैं हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि आप मुझे ऐसे ऐसे करते करते बहुत टाइम देखते हो गए, तो मुझे ना एक दिन भी मेरा जुकाम नहीं ठीक हो रहा, एक दिन के लिए भी नहीं ठीक हो रहा। उसमें क्या हो रहा है कि मैं जब मेडिसिन खा रही हूँ तो 1-2 घंटे के लिए ठीक हो रहा, फिर मेरे को चालू हो जा रहा है। तो फिर कितने दिन से दवा खा रही हूँ, बहुत दिन से दवा खा रही हूँ, कोई भी यही बोलेगा जब देखो तो सुर सुर करती रहती है। तो इसके लिए आज नवीन बहुत दिनों से चल रहा था, चलो 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 डॉक्टर से चेक कराते, तो डॉक्टर को बोल दिखाया तो डॉक्टर बोले एक बार हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने ब्लड दिया, बहुत रोई और वहाँ का मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉग, एक्चुअली तो फ़ोन घर पर ही छोड़ के जाती हूँ, मैंने नवीन को बोला भी करें, नवीन ने बोला नहीं जरूरत नहीं है, मैंने बोला थोड़ा सा तो करके ले लो, थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लो, बोले नहीं। तो डॉक्टर के पास थोड़े देर हम बैठे, उन्होंने समझाया कि हो सकता है ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी बोली लेकिन वो क्या है सीजन से होता है तो चला जाता है, कम से कम ठीक है 6 महीने में एक बार हो जाता है, लेकिन आपका रोज़ रोज़ रह रहा है और हमेशा रह रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर कोई आए कोई आया नहीं था, पड़ोस में जो है वही उसने आवाज़ दिया था। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, ये देखो आप, ये कराया मैंने और देखते हैं कल रिपोर्ट, डॉक्टर तो वैसे बैठते नहीं है लेकिन बोला फ़ोन करके आप देख लेना, अगर रिपोर्ट आ जाती है तो हम आपको बुला लेंगे, फिर देखते हैं कल क्या होता है, रिपोर्ट में क्या आता है, टचुट सब कुछ ठीक ठाक ही हो। ऐसा तो जुकाम की वजह से बोली, कुछ सीरियस तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा जुकाम नहीं छोड़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो नहीं छोड़ रहा। तो उसने आई थिंक मैं ठीक है, मैं आपको फाइल नीचे वो फाइल बना के दी हो, उसने 4 टेस्ट बोले हैं और वो चारों टेस्ट 4,000 के हैं, 4,080 रुपये, हाँ 4,080 रुपीज़ का बिल दिया था हमने उसको, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो नवीन ने बोला कहीं जाके कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से हमने ये ब्लड टेस्ट करवाया, लोगों को लगेगा हाँ जुकाम के लिए इतना सारा बोलेंगे, लेकिन कोई अब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि कहीं, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं, 1 महीने से नहीं, 6 महीने से मेरे साथ चल रहा है, हमेशा मेरे को जुकाम रहता है और मेरी फैमिली को भी मालूम है, मीन्स मेरी खुद की मेरी फैमिली को मालूम है कि मेरे को जुकाम हमेशा 24 आवर्स रह रहा है। तो इसकी वजह से मैंने बोला चलो ठीक है दिखा लेती हूँ, और मुझे ECG भी करवाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ, तो फिर ECG तो मैं डर के मारे मशीन देख के ही नहीं करवाई मैं, तो ये नहीं घर पे थे तो फिर वही जाके मैंने करवाया, देखते हैं कल रिपोर्ट क्या आता है। और सब कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो जुकाम का थोड़ा टेंशन चल रहा है क्यों छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि छोड़ देना चाहिए 1 वीक होके, ठीक है 1 महीने में एक बार होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कुछ ना बोले, मुझे लग रहा नाक की हड्डियाँ बढ़ गई हैं क्या, मुझे तो यही टेंशन, मेरी नाक की हड्डियाँ बढ़ गई हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले तो नाक काट के रख दिया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी डिनर में, अभी मैं सो गई थी हॉस्पिटल से आने के बाद से, मैं सो गई थी, अभी उठी मैं 5:40 पे उठी, हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग गया था, ये था कि घर का काम करके हम लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, घर का काम हमने कर लिया था, नवीन ने थोड़ा आज हेल्प किया था, मेरे सब्जी उन्होंने ही बनाया था,
तो वो सब नहीं, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल से आने के बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आप ऐसे नॉर्मल हो लेकिन हॉस्पिटल में जाओ ब्लड निकलो ये निकलो ना, तो ऐसे अपने आपको वीक समझने लगते हो। तो यहाँ पे हमारी कॉल चल रही है एंजल के साथ, एंजल बोल रही है मासी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और किट्टू को देखो है किट्टू रो गई वो, हाँ रो गई, क्या बोल रहे हो फ्लाइट बुक करके बोलते ऐसे रही है जैसे फ्लाइट मेरे दादाजी का हो। पैसा तो आप के पास है। इस बार प्रॉब्लम है ना बेटा पीयू का, अगर हम सोच भी लेते ना तो इस बार क्या है ना कि इस बार पीयू के एग्जाम है। कोई एग्जाम नहीं, वो नॉर्मल क्लास टेस्ट होता था। नहीं नहीं बेटा 2 जनवरी को उसकी क्लासेस है ना, जिसकी वजह से मुझे। अरे वो तो छोटी जी है, हाँ नहीं नहीं क्या, हमेशा तो ऑफलाइन था, अरे ऑनलाइन था तो हम चले आते थे, लेकिन इस बार प्रॉब्लम है ना बेटा। अरे मासी 9th क्लास से होगा जो होगा, उससे पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता। मामू और मामी को बुला लो, मामू मामी आ जाएंगे, आप लोग न्यू ईयर एंजॉय कर। क्या बन रहा है आज मम्मा ले, खाना क्या बन रहा है? चाचू नहीं आए क्या अभी तक? चाचू नहीं आए, आ गए फिर तो एंजॉय करो, कल 25th है, वैसे भी संडे है। वीडियो कॉलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी को चिक करते हुए पहला खिलाड़ी चिल्ला दिया 0 पॉइंट। ये दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की गर्दन पकड़ते हुए ये एक दूसरे को चिक करते हुए किचन में, और किचन में आने के बाद से मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। ये मैं भून रही हूँ प्याज और लहसुन, प्याज में बहुत ज़्यादा डालती हूँ, आटा भी गूंथ के मैंने रख लिया, आलू भी बॉईल करके रख लिए, और चटनी बनाया मैंने आज चटनी, ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, दही भी अच्छी लगती है, लेकिन आपको पता नहीं जुकाम की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। तो आज हमारा पूरा दिन, मतलब आधा दिन तो घर में काम और आधा दिन आज पूरा दिन गया है। आलू मेरे पास कम था तो मैंने गोभी और आलू दोनों मिक्स कर दिया, ये आलू है और ये गोभी को घस लिया है मैंने, आलू और गोभी, आलू चार आलू है, और हम लोग खाने वाले तीन हैं लेकिन हम लोगों का डाइट अच्छा है तो हमें कम पड़ेगा, तो मैंने ये आलू और गोभी दोनों मिक्स बना रही हूँ। तड़का दिया है, भून रही है बस। और प्याज पक गया है? हाँ पूरा पक गया, प्याज सब पक गया, बस छोटा पड़ जाएगा इसमें। मुझे बाद में दिमाग आया कि मुझे गोभी पे डालना है, मुझे लगा आलू में हो जाएगा, तो उसमें मिक्स नहीं होगा अच्छे से, प्रॉब्लम ये है ना। मिक्स कर लेंगे उतार के, मिक्स कर दो क्योंकि मिक्सिंग का समस्या हो जाएगा थोड़ा, वो पैन छोटा है ना, ये मिक्स तुम कर दो ना, हम वही करना पड़ेगा। तो मैं ही मिक्स कर देता, मिक्स कर रहे हैं क्योंकि मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज जो साथ में ना आटा तो गूंथ दी हूँ, लेकिन मैंने बोला कि चलो तुम ही मिक्स कर दो, और सब कुछ मैंने ही किया। हाँ है ना नवीन, सारा मैंने किया है ना, सारा मैंने किया है, काम तो मैं ही कर रहा हूँ जो क्रिटिकल है वो तो मैं ही करता हूँ। हाँ क्रिटिकल काम नवीन करते हैं, जैसे कि मिक्स करना हुआ ये सब, तो वही नवीन काम करते हैं। मैंने नवीन का नाम चेंज कर दिया है, नवीन तुमको नाम पता है क्या मैंने रखा है? गोलू, पंडित जी बोलते हैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, तो तुम्हारा नाम मैंने आज से रखा गोलू। नहीं याद नहीं आया, जब ही दिमाग खुले तभी दिमाग बोलते हैं, जब ही उठो तभी सवेरा, तो जब समझ में आया तो नाम नहीं लेते हैं, तो मैं नवीन का नाम सॉरी गोलू, अब नवीन का नाम रख इनका नाम रखूंगी गोलू।
अभी इनका उनका बोलूंगी तो कितने लोग आ जाएंगे। तो इनका इनका नाम है गोलू। तो जब भी मैं गोलू बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं इनको बोल रही हूँ। इनको मीन्स गोलू को। तो हमारे पराठे की तैयारी हो चुकी है और ये सब काम मैं करती हूँ। नौकरों वाला काम सारा मैं ही करती हूँ। नवीन बस आते हैं थोड़ा सा ऐसे करके चले जाते हैं। मेरा पराठे बन गए। चटनी ग्रीन चटनी सब्जी पड़ी है बट हमें सब्जी नहीं खाएंगे, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और ये पीशु का दूध गर्म हो रहा है। पराठे बन गए और पीहू पराठे खा। पीहू पीहू हो गए और पीहू सो गई हैं। ये देखो पीहू सो गई हैं। अब इन लोगों को आप देख लो, इसको ठंड नहीं है फिर भी देखो क्या किए। देखो ये देखो इन लोगों अंदर ब्लैंकेट डाल दिए इन लोगों के ऊपर से। ये तो ये लोग सो रहे हैं। मैं भी अब चली सोने के लिए क्योंकि थक गई हूँ। शाम को तो सोई थी लेकिन फिर मैं चली सोने के लिए। और हमारे क्रिशु भी सो रहे हैं। ये हमारे क्रिशु अपने मच्छरदानी में सो रहे हैं। तो सो गए। राधे राधे एंड गुड नाइट। टेक केयर।